देखो मेरे पास काफी कुमट आए कि चाचा जी दांत पीले हैं और खराब हैं और डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर ने मशीन लगाई है, केमिकल लगाया है और 5,000 रुपया दिया है। और हंसते हैं तो शर्म आती है, हंस नहीं सकते। 5,000 रुपया भी दिया है और दांत वही पीले रे पीले। तू आज चाचा 20 रुपए वाला टोटका, 20 वाला पुत्र है, 20 वाला टोटका, और इसका काम जो 10,000 रुपये वाला है वो काम करेगा। और आप खुल के हंसेंगे, कोई माँ का लाल पहचान नहीं करेगा। और जो दांत पे लगाएगा और वो लोग ही पूछेंगे कि आपके दांत चमकदार और क्या ही बात है। तो देखो जो मेरे भाई या मेरी बहने के दांत नहीं है, चाचे के भी दांत नहीं है, तो देखो वो तो कलहदा बात है। जब दांत है तो आपके पास चाचा भी है, तो आपको क्या जरूरत है वो 20,000 या 10,000 या 5,000 डॉक्टर को देने के लिए। ऐसा फार्मूला 20 रुपए और 20 रुपए तो मिनटों में साफ। और दांत ऐसे कि सूरज के सामने बैठा हूं, दांत की चमक ऐसी होगी कि लोग की देखेंगे कि ये चाचे का टोटका है। तो आज 20 रुपए वाला टोटका 10,000 के मुकाबले में चाचा ले आया है, और वाइट और चमकदार दांत। चाचे की तरफ से पाक फौज दे जवानों को, पाक फौज दे गुरीले जवानों को, बहादुर और दिलेर, उनको चाचे फौजी का सलाम। और मेरी बहादुर बहने और मेरे बहादुर भाई और मेरे बुजुर्ग सबको चाचे फौजी का सलाम। तो आज काफी मेरे बहन भाई गुटखा खाते हैं, बीड़ा खाते हैं, पान यूज करते हैं, सिगरेट यूज करते हैं, दांत खराब है, खुल के हंस नहीं सकते, उनकी बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे पता है कि किसी दोस्त, चार दोस्त खड़े होते हैं तो वो खोल के हंस नहीं सकते। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं वो केमिकल लगाता है, मशीनें लगाता है, और दांत के मसूड़े भी खराब हो जाते हैं और दांत ऐसे पीले के पीले। तो आज चाचा हल ले आया है ऐसा नायाब और ऐसा आला और बिल्कुल सस्ता और आपके घर में दस्तियाब टोटका। ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। जो भाई पान खाता है, गुटखा खाता है, छालियां खाता है, कोई चीज खाता है, दांत पीले हैं, और ये वीडियो देखोगे और इसको इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपके दांत साफ और वाइट और चमकदार। तो ये देखो ये मेरे पास डब्बी है, आपके पास ये डब्बी होनी चाहिए, साफ सुथरी, ये देख सकते हैं। सफाई है तो खुदाई, अगर सफाई नहीं है तो चाचे को अच्छी नहीं लगती, अगर सफाई है तो सब कुछ है। ये देख सकते हैं, ये चाय का छोटा चम्मच है, ये भी मैंने साफ किया है, क्योंकि मरना है किसी ने नहीं छुड़ाना। सफाई और खुदाई और ईमानदारी और दयानदारी और किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होएगा चाचे के टोटके लिए। तो देखो ये मीठा सोडा 1 चम्मच, ये देखो ये मीठा सोडा, बड़े बड़े पगड़ियों वाले आते हैं कि इसको मीठे सोडे को यूज करो दांतों पे डेली, ये नहीं करना, आप डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते। दांतों के लिए अच्छा होता है, हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह ताला ये फायदेमंद चीज है। तो देखो ये दूध आ गया, सूखा दूध जो पाउडर होता है दूध का, ये आ गया। आप देख सकते हैं कि बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा कि बच्चों के दांत पीले हैं, कि दूध इस्तेमाल करते हैं बच्चा, बच्चे के दांत वाइट और चमकदार दांत होते हैं क्योंकि वे दूध पीते हैं। आप भी दूध इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला आपके दांत भी सफेद हो जाएंगे। तो ये 1 चम्मच सूखा दूध, ये
ये स्वागत दांतों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। और ये दाग धब्बे जो गंदगी होती है दांतों के ऊपर, वो जो पिलत्तन होती है उसको ये स्वागा ख़त्म करता है और दांतों की रोशनी और चमकदार और वाइट किस्म का करता है। एक चम्मच ये देसी नमक का टच दे रहे हो, ये देसी नमक है, ये भी बहुत मुफीद है दांतों के लिए। ये भी एक चम्मच। ये आप देख सकते हैं, ये चार चीज़ और ये चार ही चम्मच, हर चीज़ का एक ही चम्मच। इसको घर में डब्बी ऐसे खूबसूरत हो, अच्छी साफ सुथरी, इसको ये देख सकते हैं। देखो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, ये डब्बी में पाउडर बंद कर दिया है सबसे पहले कि इसको 2 महीने बनाकर स्टोर कर लें, आप घर में रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। तो दूसरा मसला ये है कि आप इसके 2 तरीके लगाने के हैं और हफ्ते में 2 मरतबा इसको लगाना है। 2 तरीके लगाने के, हफ्ते में 2 मरतबा इसको यूज़ करना है। तो देखो पहला तरीका इसका ये है कि आप ब्रश और ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इसको भी साथ इस्तेमाल करें और दांतों पे लगाएं, अल्लाह के फजल व करम से आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये पाउडर है, इस पाउडर को तली में डाल लेना है और ये लेमन का पानी ये भी तली में डाल लेना है, इसको हल करके उंगली के साथ इसको लगाएं। जो भाई मेरी बहनें ब्रश इस्तेमाल नहीं करती, ये उंगली के साथ भी लगा सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। और एक छोटा सा टोटका आपको बता दूं कि आप जब खाना खाते हैं और सोने का टाइम हो जाता है तो सरसों का तेल और नमक इसको थोड़ा हल करें, हल करने से बाद आप अपने दांतों पे लगाएं और 15 मिनट बाद इसको कुरली करके सो जाएं और अल्लाह के फजल व करम से आपको चाचा इंशाल्लाह ताला सच बताएगा और सही बताएगा और अच्छा मशवरा देगा। ये डॉक्टरों के चक्कर छोड़ो और ये 20 रुपए वाली दवाई इस्तेमाल करो। अगर ये आपके दांत चिट्टे होते हैं, वाइट होते हैं, चमकदार होते हैं तो चाचू को लाइक करना है, अगर ये नहीं होते तो चाचू को लाइक भी नहीं करना और सब्सक्राइब भी नहीं करना। आपका और मेरा सबका अल्लाह निगेबान।